सुप्रभात विद्यार्थियों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं के अध्याय 7 को हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं। विक्रय संवर्धन को हम पढ़ रहे हैं। विक्रय संवर्धन, सेल्स प्रमोशन। विक्रय संवर्धन के परिचय को पढ़ने के बाद विद्यार्थियों, हमने विक्रय संवर्धन के महत्व को जाना, और महत्व को जानने के बाद विक्रय संवर्धन यानी कि विक्रय में वृद्धि करने की जो तमाम प्रकार की उत्पादक के द्वारा जो क्रिया की जाती है उसमें उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उपभोक्ता संवर्धन विधि और व्यापारी संवर्धन विधि के बारे में मैंने चर्चा की थी, और उपभोक्ता संवर्धन विधि में किन किन चीजों को शामिल किया गया था उनके बारे में मैंने बात की थी, और व्यापारी संवर्धन विधियों में किन किन को शामिल किया था उनके बारे में मैंने बात की थी। उपभोक्ता संवर्धन विधि की व्याख्या में हमने तीन बिंदुओं को कल के वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम विद्यार्थियों उन तमाम प्रकार के उपभोक्ता संवर्धन विधियों के जो आगे के बिंदु है उनके बारे में हम व्याख्या में आज चर्चा करेंगे। उपभोक्ता संवर्धन विधि की व्याख्या में चर्चा करने के बाद जब हम व्यापारी संवर्धन विधि की व्याख्या में चर्चा कर लेते हैं तो यह अध्याय हमारा समाप्त हो जाता है। विद्यार्थियों, जहां तक मैं समझता हूं कि हमारा ये जो विक्रय संवर्धन अध्याय समाप्त होने के बाद हम विज्ञापन को चालू करेंगे, और विज्ञापन इससे जुड़ा हुआ एक अध्याय है उसको करने के बाद हम आपका अध्याय 9वां और 10वां जो व्यापारिक विधि मैंने पूरा आपको करवा दिया था वो हटा दिया गया है पाठ्यक्रम से, और अनुबंध के प्रावधान उसको भी हटा दिया गया है, और लास्ट में अगर चैप्टर की बात करें तो GST को भी हटा दिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे उद्यमिता की, बात करेंगे उद्यमिता के बाद बीमे के संदर्भ में भी हम बात करेंगे। जब उद्यमिता के दो अध्याय को पढ़ने के बाद जब हम बीमा पढ़ते हैं और फिर निगमीय CSR कॉर्पोरेट कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की जब हम बात करते हैं, निगमीय दायित्व होता है उसकी बात करते हैं, तो आपकी व्यवसाय अध्ययन की पूरी किताब पूरी हो जाती है। विद्यार्थियों, हम इस COVID-19 के साथ हमने लगभग इस किताब को पूरा कर लिया है। विद्यार्थियों, आप अगर ये वीडियो को अगर नहीं देख रहे हो तो आज भी दिमाग में ठान ले, इस वीडियो को देखे, लगातार वीडियो को देखते हैं आपका पूरा पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है। विद्यार्थियों, इस चीज को समझे, COVID-19 के तहत घर बैठे इन चीजों को पढ़े, ऑनलाइन क्लासेस का भरपूर फायदा ले। उपभोक्ता संवर्धन विधि के अध्याय 7 विक्रय संवर्धन में उपभोक्ता संवर्धन विधि के हमने तीन बिंदुओं को पढ़ा आज, माफ कीजिएगा, हमने दो बिंदुओं को कल व्याख्या से ही समझा था, आज हम एक दो तीन बिंदुओं को पढ़ेंगे, और तीन बिंदुओं की अगर मैं बात कहूंगा तो उपभोक्ता संवर्धन विधि यानी कि उपभोक्ताओं को हम किस प्रकार आकर्षित करते हैं उसके अंदर हम आज प्रतियोगिता को पढ़ेंगे, और अतिरिक्त मात्रा में उपहार स्वरूप के बारे में हम बात करेंगे, अतिरिक्त मात्रा उपहार स्वरूप के हम बात करेंगे, और कूपन के बारे में आज बात करेंगे व्याख्या से। विद्यार्थियों, आपके पास प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपभोक्ता संवर्धन विधि के अंदर प्रतियोगिता से आपका क्या तात्पर्य है, उपभोक्ता संवर्धन विधि के अंदर आपका अतिरिक्त मात्रा उपहार से आपका क्या तात्पर्य है, कूपन से आप क्या समझते हैं, ऐसा आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। 4 नंबर का ऐसा प्रश्न आ सकता है संवर्धन विधियों के अंदर। तो हम आज देखेंगे प्रतियोगिताएं। देखिए, कल हमने मुफ्त नमूनों के बारे में बात की थी और मेले और प्रदर्शनियों के बारे में बात की थी। मुफ्त नमूने फ्री सैंपल क्या होते हैं और कूपन क्या होते हैं, मुफ्त नमूनों को हमने जाना और आज हम कूपन को जानेंगे, तो हम मुफ्त नमूनों को अलग कर पाएंगे और कूपन को अलग कर पाएंगे। प्रतियोगिताएं, विद्यार्थियों प्रतियोगिताएं कैसे करवाई जाती है उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए। आज का अगर हम नया बाजार देखें और नए बाजार के अंदर नई वस्तु को अगर हमें लानी है तो गला काट प्रतिस्पर्धा है। विद्यार्थियों, उस तक पहुंचने के लिए हमें तमाम प्रकार के प्रतिस्पर्धियों से प्रतियोगिता करनी पड़ेगी, और प्रतियोगिता करकर हम हमारी जो नई वस्तु है उसको स्थापित कर पाएंगे। उस वस्तु की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, उस वस्तु की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए हमें बाजार के अंदर उस नई वस्तु को लाने के लिए हमें प्रतियोगिताएं प्रतिस्पर्धियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी और प्रतियोगिताएं करनी पड़ेगी। तो इन बातों को हम समझते हैं विद्यार्थियों, किस प्रकार हम प्रतियोगिताएं करते हैं और प्रतियोगिता करने के बाद हम अपनी वस्तु को उस मार्केट के अंदर लेके आ जाते हैं और उपभोक्ताओं को किस प्रकार हम आकर्षित करते हैं। तो विद्यार्थियों, इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, और प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के लिए हमें जिन उपभोक्ताओं ने हमारी वस्तु जो खरीदी है, उन उत्पादकों से वस्तु खरीदी है, उन्हें उन प्रतियोगिता में शामिल करने के लिए उनसे प्रूफ के रूप में उनसे कैश मेमो लिया जाता है। कैश मेमो तब एक उत्पादक जब उपभोक्ता को कुछ बेचता है तो उस दौरान एक कैश मेमो बना के दिया जाता है, एक ऐसा प्रपत्र होता है जिसे कैश मेमो यानी रोकड़ विवरण, जिसके अंदर जिसमें कुछ वस्तु के बारे में विवरण दिया जाता है पर्टिकुलर के अंदर, तमाम प्रकार की जो बातें होती है कैश मेमो में निश्चित होती है, और वस्तु की जो पैकिंग के कोई भी हिस्सा अगर जब उत्पादक को प्रतियोगिता देता है
यानी कि जो भी उपभोक्ता देता है तो वो प्रतियोगी माना जाता है और उसको उस प्रतियोगिता में हिस्सा में शामिल किया जाता है। तमाम प्रकार की ऐसी प्रतियोगिता की जाती है और उन प्रतियोगिता में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है उसके एग्जाम्पल के बारे में भी मैं बात करूंगा और कुछ उदाहरण भी दूंगा और वास्तविक जिंदगी का मैं उदाहरण जो मेरे साथ जो घटना घटी उसका भी उदाहरण मैं देकर आपको समझाऊंगा। प्रतियोगिता है नई वस्तु को बाजार में लाने, नई वस्तु को अगर हम बाजार में ला रहे हैं तो उसमें हमें किस प्रकार प्रतियोगिता करनी पड़ेगी, तो हमें प्रतिस्पर्धियों में से आगे निकलना होगा। प्रतिस्पर्धियों में आगे निकलने के लिए, नई वस्तु को बाजार में लाने के लिए हमें प्रतियोगिता करनी पड़ेगी, प्रतिस्पर्धियों से हमें आगे निकलना होगा। तो विक्रय में वृद्धि करने के लिए, विक्रय में अगर हमें वृद्धि करेंगे तब हमें प्रतियोगिता की आवश्यकता पड़ेगी। विक्रय में वृद्धि करने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन शामिल होने के लिए तमाम प्रकार की बातें होगी। नई वस्तुओं को बाजार में लाने, प्रतिस्पर्धियों में आगे निकलने प्लस विक्रय में वृद्धि करने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन शामिल होने के लिए आयोजन किया जाता है। इधर जो प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, यहाँ आप लिख सकते हैं कि आयोजन किया जाता है। नई वस्तुओं को बाजार में लाने, प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने, जो भी आपके सामने द्वंद्वी है, आपके सामने और भी मार्केट के अंदर व्यापार कर रहे हैं उनसे आगे निकलने के लिए, विक्रय में वृद्धि करने के लिए आपको प्रतियोगिताओं का आयोजन करना होगा। अब हम प्रतियोगिताओं का आयोजन तो करेंगे, फिर हम ऐसी योजना बनाएंगे, मगर किन्हें हम उन प्रतियोगिताओं में शामिल करेंगे, तो शामिल अगर उपभोक्ताओं को होना है तो उपभोक्ताओं के पास कैश मेमो होना चाहिए, वस्तु की पैकिंग का कोई भी हिस्सा उन्हें लगाना होगा, तब वो उस प्रतियोगिता में शामिल हो जाएंगे। और प्रतियोगिता कैसे करेंगे उसके बारे में आगे हम चर्चा कर रहे हैं। कैश मेमो उपभोक्ताओं के पास होना चाहिए, वस्तुओं की पैकिंग का कुछ हिस्सा, जो भी उसने जो चीज खरीदी है, जो पैकिंग करके वस्तु लेके है, उनका हिस्सा उसके साथ संलग्न करना होगा। विजेता को, अब उसमें जो भी उपभोक्ता विजेता होगा तो उन्हें क्या क्या मिलेगा, नकद राशि इनाम के रूप में मिल सकती है, कंपनी का कोई प्रोडक्शन प्रोडक्ट उत्पाद भी मिल सकता है, या फिर विद्यार्थियों विदेश घूमने 5-स्टार होटल में रुकने की व्यवस्था भी हो सकती है। अगर विदेश घूमने की जब मैं अगर बात कहूं तो विद्यार्थियों मैं अपने दैनिक जीवन की अगर बात कहूं तो सिटी वाइज शोरूम करके उदयपुर में है और उस सिटी वाइज शोरूम में मैंने अपनी शादी के दौरान एक शेरवानी खरीदी थी विद्यार्थी। उस शेरवानी को 16,000 की कीमत से मैंने खरीदा और 16,000 की कीमत से खरीदने में मैं उस प्रतियोगिता में शामिल हो गया। मुझे एक इस प्रकार का एक कैश में वो एक टैग दिया गया और आज भी याद है 4 दिसंबर 2017 को शादी हुई और 24 दिसंबर 2017 को उस लॉटरी को खोला गया और उस लॉटरी में मेरा नाम निकला। और जब लॉटरी में मेरा नाम लिखना तो उस कैश मेमो पर और मेरे पास जो कैश मेमो पर उस पे नंबर मिलाए गए और वो मैं ही सेम व्यक्ति था और मुझे फोन करके उस बधाई दी गई कि आप अंडमान निकोबार के लिए घूमने के लिए विजय में शामिल हो गए हो और उस प्रकार मुझे 5-स्टार होटल में रहने की भी व्यवस्था की गई। तो यही प्रतियोगिताएं होती है और इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से उपभोक्ता आकर्षित होता है और उपभोक्ता ज्यादा से ज्यादा इस प्रतियोगिता में शामिल होता है। बस मेरे पास वो स्लिप होनी चाहिए और उस स्लिप को स्लिप से मिलान किया गया और उसमें नंबर भी मेरे दिए हुए थे और देखा गया कि वास्तव में मैं ही विजेता था। तो इस प्रकार नकद राशि भी हो सकती है, कंपनी का उत्पाद भी हो सकता है, या फिर विदेशों में घूमने की एक यात्रा के दौरान आप जा भी सकते हो, 5-स्टार होटल में रुकने की व्यवस्था भी हो सकती है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से इस प्रकार की चीजें होती है और उस उपभोक्ताओं को उस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए कैश मेमो होना चाहिए और जो उसने पैकिंग के आइटम जो खरीदा है वो पैकिंग के आइटम वस्तु उसके अंदर शामिल होनी चाहिए ताकि हमें लगे कि वास्तव में उन्हें उत्पादकों को लगे कि हम वास्तव में उनके ग्राहक हैं। इस प्रकार 5-स्टार होटल में रुकने की व्यवस्था हो। अब प्रतियोगिताएं कौन कौन सी होगी, उन प्रतियोगिताओं की हम बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी प्रतियोगिताएं हैं, प्रतियोगिताओं कैसे, प्रतियोगिताओं के उदाहरणों को हम देखेंगे। देखे विद्यार्थियों ये जो मैंने वास्तविक उदाहरण दिया है ये मेरी खुद की जिंदगी का है, मेरी जीवनी का है। उसके अंदर 24 दिसंबर को मैं 2017 के अंदर ये इनाम जीता था और इस प्रकार मैं घूमने के लिए अंडमान निकोबार गया था विद फैमिली। गौर करें विद्यार्थियों तो विदेश घूमने 5-स्टार होटल में रुकने की ऐसी व्यवस्था होती है और ऐसी प्रतियोगिता की जाती है और उसमें लॉटरी निकाली जाती है, जो व्यक्ति जीतता है उसे आगे ऐसी उपहार स्वरूप ऐसी चीजें शामिल की जाती है। तो देखो विद्यार्थियों प्रतियोगिता कैसे होगी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वस्तु संबंधी अधूरा वाक्य पूरा करना, आप कोई भी वस्तु जैसे खरीद रहे हो उस वस्तु संबंधी कोई भी अधूरा वाक्य पूरा करना, या आपने कोई वस्तु खरीदी हो या आपने कोई उस वस्तु का विज्ञापन देखा हो तो ऐसी बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं लगती है तो उस वस्तु संबंधित पूरे वाक्य को आपको पूरा करना होगा। विद्यार्थी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है 4 नंबर का, गौर करें कि चीज को समझे और लिखने का भी प्रयास करें। वस्तु संबंधित अधूरा वाक्य पूरा करना, जैसे कि मैं वीडियोकॉन टीवी का प्रयोग करता हूं या करती हूं, मैं वीडियोकॉन टीवी का प्रयोग करता हूं करती हूं क्योंकि, क्यों करती हूं,
क्योंकि इसके अंदर इसकी क्लियरिटी अच्छी है, इसके अंदर साउंड सिस्टम अच्छा है। तमाम प्रकार के इस वीडियो वन टीवी के कुछ ऐसे लोगो होंगे, कुछ ऐसे विचार होंगे, उन्हें आपको देने होंगे। अगर आप वो विचार सही देते हो तो आप उस प्रतियोगिता के हिस्सेदार में भागीदार बनते हो और आप उसमें विजेता होते हो। तो गौर करें ट्यूब वस्तु संबंधित वाक्यों को पूरा करना। मैं वीडियो गन टीवी का प्रयोग करता हूं या करती हूं, क्योंकि क्योंकि वीडियो गन टीवी बहुत ही अच्छी टीवी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी, कुछ भी आप आगे उसके जो भी जवाब हो सकते हैं। दूसरा बिंदु, वस्तु का चित्र दिखाकर वस्तु का शीर्षक या फिर नाम पूछना। कोई भी वस्तु का चित्र दिखाकर, कोई भी वस्तु का शीर्षक दिखाकर, जैसे अगर हम बात कहें तो बहुत ही सारे ऐसे किस कोई भी एक आइटम खरीद देख लो, जैसे कि अभी सर्दियों का मौसम है तो विभिन्न प्रकार के गर्म हीटर्स के ऐसे ऐसे आइटम आपको दिखाकर आपसे पूछा जाए ये क्या है, तो अब आप बोलते हो कि ये ओरिएंट कंपनी का एक गर्म हीटर है जिसकी उपयोगिता बहुत बड़ी है और सर्दियों में बहुत ही उपयोगी है। या फिर आपको इस प्रकार, सॉरी सर्दियों में बात करूं तो इस प्रकार आपको कोई भी पूछा जा सकता है। आप अगर उस टाइटल को, उस शीर्षक को अच्छा शीर्षक देते हो, तमाम प्रकार के उपभोक्ताओं में कोई भी जब अच्छा शीर्षक देता है कि वास्तव में ये सर्दियों के लिए गर्म हीटर है, तो जान सकते हो। ऐसे आपके सामने आंकड़े आपने कभी कभी देखे होंगे कि कुछ फिल्म इंडस्ट्रीज के हीरोज के चेहरे दिखाए जाते हैं और उसमें आपको उनके आंखों के चेहरे दिखाए जाते हैं और उसमें आप पता लगा लेते हो कि वास्तव में ये कौन सा फिल्म इंडस्ट्री का हीरो है। उस प्रकार आपको जैसे कि एक पंखे की क्वालिटी का कुछ ऐसे दिखाया जाए और आप पहचान लेके वास्तव में ये ओरिएंट का है या फिर खेतान कंपनी का पंखा है, आपको छोटा सा एक चीज दिखा, क्लू दिखाया जाएगा, उसमें आपको शीर्षक दिखाया जाएगा, आप अच्छा शीर्षक देते हो, अच्छा टाइटल देते हो, तो आप विजेता कहलाते हो। तो वस्तु का चित्र दिखाकर वस्तु का शीर्षक पूछना या फिर उसका नाम पूछना, जो अच्छा टाइटल देगा देने वाले को इनाम दिया जाएगा, जो उसका अच्छा शीर्षक देगा, अच्छा टाइटल उसका नाम बताएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। तो ये प्रतियोगिता में शामिल होता है। वस्तु से रिलेटेड कोई भी नारा पूछना, वस्तु से संबंधित कोई भी नारा पूछना, जैसे आपने घड़ी सर्फ पाउडर के बारे में आपने देखा होगा कि अक्सर आ जाता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले इस्तेमाल करें फिर आगे खाली खाली स्थान छोड़ दिया जाता है, फिर विश्वास करें। इस प्रकार से भी आपके पास आप लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखो वस्तु से संबंधित आपको नारा पूछा जाएगा, पहले इस्तेमाल करें फिर आगे खाली खाली छोड़ दिया जाएगा, फिर विश्वास करें, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, लाइफ वो है जहां तंदुरुस्ती है वहां, साबुन के बारे में भी बात हो सकती है। तो इस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इस प्रकार से नारा भी पूछा जा सकता है। उपभोक्ताओं को पहेलियां हल करना दे देते हैं कुछ वस्तु के बारे में, ऐसी चीजें कि ऐसी वस्तु जो लिखने में स्पष्ट हो और उसका उपयोग में भी स्पष्ट हो, दिखने में भी स्पष्ट हो, ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है। तो जैसे ये मार्कर पेन है, तो आप अगर ऐसी पहेलियों से जुड़कर ऐसे जवाब देते हैं तो भी आप प्रतियोगिता में भागीदार, इनाम के भागीदार बन जाते हैं, आपका नाम आ जाता है। ग्राहकों से पत्र लिखवाना, ग्राहकों से उस वस्तु के बारे में पत्र लिखवाना और उस वस्तु के बारे में SMS के दौरान, मोबाइल में SMS के दौरान उसके बारे में भी जानना, ये तमाम बातें प्रतियोगिता में शामिल रहती है। विद्यार्थी प्रतियोगिता अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग ये एक प्रकरण है। तो नई वस्तुओं को बाजार में लाने के लिए, प्रतिस्पर्धाओं से आगे निकलने के लिए, विक्रय में वृद्धि करने के लिए इस प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाता है। इसमें तमाम प्रकार के वो उपभोक्ता शामिल होते हैं जिसके पास कैश में हो और जो वस्तु उन्होंने खरीदी उसकी पैकिंग का कोई भी विवरण उनके पास होना चाहिए। विजेताओं को नकदी रूप में पैसे दिए जा सकते हैं, जो भी उत्पाद दिया जा सकता है, या विदेशों में घूमने के लिए उपहार स्वरूप यात्रा के दौरान भी भेजा सकता है, 5-स्टार में रुकने की व्यवस्था भी की जा सकती है। और इसके संदर्भ में वस्तु संबंधित अधूरा वाक्य पूरा करना, मैं वीडियो गन टीवी का प्रयोग करता हूं या करती हूं क्योंकि, आगे पूरा करें, वस्तु का चित्र दिखाकर वस्तु का शीर्षक पूछना, उसका टाइटल पूछना, जो अच्छा शीर्षक देगा उसे विजेता इनाम दिया जाएगा। वस्तु से संबंधित नारा पूछना, जैसे कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, इस प्रकार से नारा पूछना, उपभोक्ताओं को पहेलियां पूछना और ग्राहकों से पत्र लिखवाना और SMS के द्वारा जानकारी प्रदान करना, इस प्रकार की प्रतियोगिताएं होती है। विद्यार्थी आगे अगला बिंदु है, चौथा बिंदु, अतिरिक्त मात्रा उपहार स्वरूप। विद्यार्थी अतिरिक्त मात्रा उपहार स्वरूप यानी कि आप जितनी अतिरिक्त मात्रा कोई वस्तु खरीदते हो, उत्पाद खरीदते हो, उससे अतिरिक्त आपको मात्रा में और भी कुछ चीज दिया जा रहा है। आपने कभी देखा हो कि आप कॉस्मेटिक की दुकान पे जाते हो और फेयर लवली बड़ी क्रीम खरीदते हो, उसके साथ छोटा सा आपको शैम्पू दिया जाता है या फिर छोटा सा आपको तेल का पैकेट दिया जाता है, कहीं आप जो उत्पाद खरीदते हो उसके साथ अतिरिक्त और उपहार में देना, तो ये अतिरिक्त मात्रा उपहार स्वरूप चीजें होती है। उत्पाद की अतिरिक्त मात्रा उपहार में देना, सामान्यतः ये सौंदर्य प्रसाधन निर्माता उपयोग करते हैं। सौंदर्य यानी कि जो सुंदरता के लिए जो महिला वस्तु खरीदती है, ऐसे कॉस्मेटिक की चीजें खरीदती है, वो प्रसाधन, वो रिसोर्स वाले निर्माता जो होते हैं वो ज्यादा ही इस चीज का उपयोग करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो फेयर एंड लवली
क्रीम 50% अतिरिक्त, कुछ और तेल की शैंपू दे देना, साबुन दे देना, और भी फेयर एंड लवली की छोटी सी एक पैकेट दे देना, तो 40% एक्स्ट्रा और चीजें दे देना। तो इस प्रकार अतिरिक्त मात्रा उपहार स्वरूप के संदर्भ में हम बात करते हैं। जो आप वस्तु उत्पाद खरीदते हो उस उत्पाद में आपको और अतिरिक्त उपहार स्वरूप की चीजें देना। जैसे इस कार्य में ज्यादा सौंदर्य प्रसाधन जो होते हैं, निर्माता होते हैं, जो सौंदर्य की वस्तु तमाम प्रकार के क्रीम्स है, पाउडर है, अलग अलग प्रकार की जो चीजें हैं, परफ्यूम है, इस प्रकार के जो उत्पादन करते हैं वो ज्यादा इस चीज का उपयोग करते हैं, एक के साथ एक और फ्री प्रदान करते हैं ताकि उपभोक्ता ज्यादा आकर्षित हो सके। इस प्रकार हमने प्रतियोगिता अतिरिक्त मात्रा उपहार स्वरूप को पढ़ा। अब आज जो आज के लेक्चर के अंदर हमारा जो कूपन है, आज हम उस कूपन को पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, फ्री सैंपल यानी मुफ्त नमूने और कूपन में क्या फर्क है उसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ, गौर करें विद्यार्थियों, कूपन, विद्यार्थियों कूपन क्या है? अगर हम कूपन की बात करें विद्यार्थियों, तो कूपन में उपभोक्ताओं को वस्तु खरीदने पर कीमतों में छूट दी जाती है। आप अगर देखते हो तो जो भी उपभोक्ता को वस्तु खरीदता है उसे वस्तु खरीदने में उपभोक्ता को जो छूट दी जाती है वो भी कूपन हो सकता है, अथवा कुछ मुफ्त दी जाती है, कुछ वस्तु मुफ्त में भी दी जाती है वो भी कूपन के माध्यम से दी जाती है। तो कूपन वस्तु के पैकिंग में रखे जाते हैं। आपने देखे होंगे, आप कोई भी देखो विद्यार्थियों, कूपन में उपभोक्ता को वस्तु खरीदने में छूट भी दी जाती है और अथवा कुछ मुफ्त में भी दी जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें, आपने कोई वस्तु, जैसे आप नेशनल हैंडलूम के अंदर गए, आपने कोई किराने का सामान खरीदा और उसमें से आपको एक कूपन मिला और उस कूपन को आपने स्क्रैच किया, उस पर लिखा हुआ है कि 10% छूट। अब आपको जो वस्तु आप खरीद रहे हो, जैसे कि आप 1000 का खरीदा, उसमें 10% आपको छूट देकर वो आपको 900 रुपए में मिल रही है, तो आपको वस्तु को खरीदने में छूट भी दी जाती है, अथवा उस कूपन के माध्यम से आपने कूपन को स्क्रैच किया और उस कूपन के माध्यम से 10,000 के सामान पर आपको 2,000 की और वस्तु फ्री में दी जाती है। तो ये भी हो सकता है कूपन के माध्यम से। तो आपको उपभोक्ता को वस्तु खरीदने पर कीमत में छूट भी दी जाती है अथवा कुछ मुफ्त वस्तुएं भी दी जाती है कूपन के माध्यम से। कूपन वस्तुओं की पैकिंग के अंदर रख दिए जाते हैं। आप कोई भी चीज, जैसे चाय की पत्ती घर पे खरीद के लेके आए, चाय की पत्ती को खोला, उसके अंदर कूपन निकला और उस कूपन को स्क्रैच किया, आपको 2,000 रुपए का इनाम मिल गया। तो कूपन वस्तु की पैकिंग में भी रखे जाते हैं। आप कोई भी वस्तु लाते हैं उसकी पैकिंग होती है, उस पैकिंग में भी रखे जाते हैं। अखबार में भी प्रकाशित किए जा सकते हैं, ये कूपन अखबार में भी प्रकाशित किए जा सकते हैं। आपने देखे होंगे तमाम प्रकार के अखबारों, जैसे राजस्थान पत्रिका का अखबार है, दैनिक भास्कर का अखबार, उसमें भी कूपनों की व्यवस्था होती है और पाठकों को कहा जाता है कि तमाम प्रकार के कूपन इकट्ठे करें। जितने कूपन अगर इकट्ठे हो जाएंगे फिर उसकी लॉटरी खुलेगी, उनको इनाम भी दिया जाता है। तो ये कूपन अखबारों में भी प्रकाशित किए जा सकते हैं। वस्तु खरीदने के बाद पैकिंग खोलता है कोई भी उपभोक्ता, अगर वस्तु खरीदता है उसके बाद पैकिंग खोलता है तब उसमें ये निकलते हैं। कूपन में दी गई राशि की ग्राहक को छूट मिलती है, कूपन पर अंकित वस्तु मुफ्त में दी जाती है। कूपन में दी गई राशि से ग्राहकों को छूट मिलती है और कूपन पर जो भी अंकित राशि, यानी कि उसके ऊपर जो छपी हुई राशि है उससे ग्राहकों को छूट मिलती है, दी जाती है। राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर पाठकों को बनाए रखने के लिए, जो भी राजस्थान पत्रिका जो अखबार पढ़ते हैं या दैनिक भास्कर अखबार पढ़ते हैं, उन पाठकों को बनाए रखने के लिए राजस्थान पत्रिका दैनिक भास्कर तमाम प्रकार की ऐसी कूपन व्यवस्था चालू करती है। और ऐसे अगर हम कूपन इकट्ठे कर उस पत्रिका राजस्थान पत्रिका में उसके कार्यालय में जाकर उन्हें सुपुर्द करते हैं, फिर एक निश्चित दिन एक लॉटरी होती है, उसमें बाइक वगैरह ऐसी कई चीजें हमें इनाम के रूप में भी मिलती है। और ऐसी चीजों को और भी आकर्षित करने के लिए तमाम प्रकार की जो निर्माता होते हैं, जैसे अगरबत्ती के निर्माता होते हैं, चाय के निर्माता होते हैं, साबुन के निर्माता होते हैं, ये इन चीजों को ज्यादा अपनाते हैं। चाय की पैकिंग के अंदर, मैंने आपको पहले उदाहरण देकर समझाया, साबुन की पैकिंग के अंदर ऐसे कूपन डाले जाते हैं, उन कूपनों को ग्राहक देखते हैं और ग्राहक उससे आकर्षित होते हैं और ग्राहक उन्हें स्क्रैच करने के बाद उन्हें छूट भी मिल सकती है, उनका अंकित मूल्य उसकी भी चीजें मिल सकती है, जो भी उस कूपन पर अंकित होगा वो उस ग्राहकों को फायदा मिलेगा और कूपन को उस पैकिंग के अंदर डाला जाता है। इस प्रकार हमने आज उपभोक्ता संवर्धन विधि के अंदर तीन चीजों को बड़ा प्रतियोगिता को किया, अतिरिक्त यात्रा अतिरिक्त मात्रा उपहार संदर्भ में हमने बात की और कूपन के संदर्भ में बात की। विद्यार्थी धन्यवाद आज की वीडियो के लिए। अगले वीडियो के अंदर इसके और भी जो उपभोक्ता संवर्धन विधि के जो कुछ रह गए उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा।